सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे यूट्यूब जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर एक PIL फाइल हो रखी है, तो PIL के ऊपर अब तक कोई फैसला नहीं है, लेकिन एक कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर एक अपडेट निकल के आ रहा है। क्या है अपडेट, वो तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपकी सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के डाउट सॉल्व करने के लिए आ गया डाउटनेट ऐप। इस ऐप के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो। विद इन 3 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐप 6 to 12 नीट, IIT-JEE मेंस सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। गाइज, एक्चुअली ये कोई अपडेट नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के काम की है। एक्चुअली गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे कि सर अब जो जी मेंस भी स्टार्ट हो गए है, नीट भी होने वाला है, तो सर क्या अब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में हमारे फेवर में डिसीजन देगा, मतलब हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करने कोई चांस है? तो गाइज देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि आज से जी मेंस के एग्जाम स्टार्ट हुई है और 6 सितंबर तक जी मेंस एग्जाम चलेगी और 13 सितंबर को नीट का एग्जाम है। तो गाइज, अगर ये एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से हो जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत केस आते हैं या फिर ना के बराबर केस आते हैं और सही तरीके से एग्जाम हो जाते हैं, तो गाइज आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर जी मेंस के अंदर कोई रैपिडली केस बढ़ते हैं स्टूडेंट के या फिर नीट के अंदर केस बढ़ते हैं, तो शायद गाइज आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। मैं तो प्रे करूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होए, सब कुछ नॉर्मल अच्छे तरीके से हो जाए, जिससे बच्चों की लाइफ को रिस्क ना हो, ना पेरेंट्स की लाइफ को रिस्क हो, मतलब नॉर्मली सारा कुछ हो जाए। लेकिन मैंने आपको केस बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। वैसे गाइज, अभी जो PIL फाइल हुई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। 4 सितंबर की डेट है, 4 सितंबर को फैसला सुना सकती है। लेकिन गाइज मेरे को नहीं लगता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको रियलिटी नहीं बताएगा, आपके फेवर में बोलेगा। क्योंकि गाइज मेरे को पता है कि अगर आपको जो रियलिटी बताते हैं आप उनसे थोड़े नाराज हो जाते हो। मैं भी समझता हूँ गाइज, आप सभी की प्रॉब्लम समझता हूँ कि आपको भी एग्जाम देने में रिस्क लगता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हर एक बात मैं समझता हूँ। लेकिन गाइज रियलिटी भी तो किसी को बतानी पड़ेगी, अगर आज रियलिटी नहीं बताऊंगा तो आप स्टडी भी नहीं करोगे। इसलिए गाइज मेरा काम रियलिटी बताना है। आप सभी का बड़ा भाई होने के नाते, आप सभी मेरे पे भरोसा करते हो, उसी के नाते मैं आप सभी को बता सकता हूँ इतना ही कि कंपार्टमेंट एग्जाम अभी होने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। अब गाइज कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाले, कभी भी डेट शीट आ सकती है, एडमिट कार्ड आ सकते हैं, तो इतना ही मैं आप सभी को कहूँगा कि आप अपनी स्टडी प्रॉपरली स्टार्ट कर दो, क्योंकि गाइज जल्दी डेट शीट आ सकती है। तो गाइज मेरे को उम्मीद है कि आप सभी मेरी बात समझोगे। अगर गाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई भी ऐसा लगता है कि जब भी कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने के चांस बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक गाइज आप सभी को इतना ही कहूँगा, स्टडी कंटिन्यू रखो। कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी के अंदर प्रीलिम्स से कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीन पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। और गाइज हो सके तो अपने फ्रेंड से वीडियो जरूर शेयर करो, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सुनिए, घर पर रहो, सेफ रहो।